वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले हम लोगों ने मेजर माउंटेन रेंज देखा था इंडिया का, और इसके पहले हम लोगों ने नेशनल पार्क कवर कर लिया था, और इसके पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी की क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो मैं बेस्ट क्वेश्चन है उसमें हमने 5 लेक्चर में पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रीलिम्स बेस्ट क्वेश्चन में सबसे विस्तार पूर्वक कवर कर दिया है। आपको एक बार अगर वो देखना हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं मेजर रिवर सिस्टम की इंडिया की। तो ये है इंडिया का जो है टॉप 10 जो है रिवर का मैप है, जिसमें इंडस रिवर, इंडस की सहायक नदी की बात करेंगे, गंगा रिवर, गंगा की सहायक, यमुना की सहायक नदी, नर्मदा, फिर तापी रिवर, इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, इसके अलावा इधर आएंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इन सबको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हमने इम्पोर्टेंट जो माउंटेन रेंज की बात की थी उसमें हमने आपको एक बताया था कि माउंटेन रेंज में जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात की थी, तो वेस्टर्न घाट में हमने क्या बताया था कि वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। हाँ, तो इस सह्याद्री का जो डिवीजन होता है, वेस्टर्न घाट का जो डिवीजन होता है वो तापी रिवर यानी सतपुड़ा रेंज के नीचे, तापी रिवर जो है आपको जो है तापी रिवर से नीचे जो है सह्याद्री या वेस्टर्न घाट के रूप में जाना जाता है। वेस्टर्न घाट में जब सह्याद्री का डिवीजन करना हो तो आप गोवा जहाँ आएंगे, गोवा तक, ये गोवा हो गया, तो गोवा के नॉर्थ में इसे कोंकण रेंज के नाम, कोंकण जो है रेंज के नाम से जानते हैं, और इस पूरे जो वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और ये वाला जो कट है इसे क्या कहते हैं हम लोग, मालाबार, मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। यानी उसके वाला गोवा के ऊपर वाला क्या कोंकण, ये वाला मालाबार, और जो ईस्टर्न प्लेन की बात की थी तो यहां तक ये वाला जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, ये वाला रीजन इसे हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट। इसके बाद जब इधर आएंगे तो इधर आएंगे आंध्रा के कोस्ट वाला, आंध्रा कोस्ट कहते हैं, फिर उड़ीसा कोस्ट वाला हम क्या कहते हैं, उत्कल कोस्ट कहते हैं। तो ये कुल जानकारी है आपको रखनी चाहिए। अब वहीं बात करेंगे कि जो कोंकण का तट है यानी गोवा तक का, यहां पे मान लीजिए ये गोवा है, ये कोंकण तट है, ये सेंट्रल पार्ट है सह्याद्री का गोवा का, इसके बाद इसे कन्नारा तट भी कहते हैं साउथ को। अब शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम की। तो हम जो रिवर सिस्टम पढ़ने वाले हैं उसको हम स्पेसिफिक पहले नॉर्थ से शुरू करेंगे, सिंधु से, फिर आएंगे गंगा पथ। तो ये रिवर सिस्टम का हमारा क्रम होगा नॉर्थ से साउथ क्रम में विस्तार के रूप में। और ये रिवर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, भारत के उत्तरी मैदान में, भारत के उत्तरी मैदान, इसके अलावा प्रायद्वीपी भारत में जो जो रिवर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपी मैदान की बात करें तो सबसे पहले कौन सा अपवाह तंत्र आता है, सिंधु नदी अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा नदी अपवाह तंत्र देखेंगे, सिंधु नदी, पहले हम लोग कौन देखेंगे, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, सिंधु रिवर, सिंधु रिवर अपवाह तंत्र। अब इसके अगर हम लोग देखेंगे कहां से ये निकलती है तो आप चले जाएंगे तिब्बत में, यहां है मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक, जैसे बना रहे हैं वैसे आपको बुक में ही बनाना है। मानसरोवर लेक से ये निकलती है सिंध रिवर जांस्कर और लद्दाख के बीच रेंज के बीच से, और आके ये मराकान तट, मराकान कोस्ट, मराकान कोस्ट कहाँ पे, पाकिस्तान में अरेबियन सी से मिल जाती है, और यही जो है जहां पर ये मिलती है अरेबियन सी से, यही पोतवार बेसिन भी स्थित है। इसके अलावा बात करेंगे, अगर इसके अलावा बात करें तो मानसरोवर लेक से निकलने के बाद जो दो नदी इससे आके मिलती है सिंध नदी से, एक होती है सिंधी खबाब रिवर, दूसरी जो दक्षिण से आके मिलती है उसे कहते हैं गारिंगा रिवर। फिर यह सिंधु नदी जो है बहती है, इंडिया में प्रवेश करती है
इधर आकर सहयोग रिवर मिलती है जो लद्दाख काराकोरम रेंज से निकलती है, ठीक है, नॉर्थ से। फिर साउथ से आती इधर से जांस्कर रिवर मिलती है। तो इधर से काराकोरम, इधर से जांस्कर रिवर मिलती है। फिर इधर से आगे कौन सी नदी मिलती है? गिलगित। इधर से आके कौन सी नदी मिलती है? गिलगित, गिलगित रिवर मिलती है। फिर साउथ से आके इधर से मिलती है सीगर रिवर। और काबुल, अफगानिस्तान से कौन नदी आकर मिलती है सिंधु में बाद में? इधर काबुल रिवर मिलती है। तो ये है इसका जो है रिवर सिस्टम सिंधु का। अब दाई तरफ से मिलने वाली, बाई तरफ से मिलने वाली हमने बता ही दिया। और मैंने बताया कहां से निकलती है, तिब्बतियन प्लेट से, कैलाश जो रेंज है वहां के मानसरोवर लेक से निकलती है। अब बात करेंगे, ये तो सिंध रिवर की बात हो गई। अब बात करेंगे दूसरे रिवर कौन सी है, झेलम। दूसरी जो सिंध से जाकर मिलती है कौन सी रिवर है, वो है झेलम। तो झेलम रिवर की बात करेंगे, तो झेलम रिवर का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? तो झेलम रिवर के उद्गम ग्रेट हिमालयन रिवर से होता है, ग्रेट हिमालयन रेंज से होता है। ग्रेट हिमालयन रेंज के वेरी नाग एक झील है, वहां पर ग्रेट हिमालयन रेंज में वेरी नाग लेक है। तो वेरी नाग लेक से जो है झेलम रिवर निकलती है। बहते हुए इसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर। श्रीनगर के बाद आता है इस पर कौन सा लेक बसा हुआ है, लेक बना है वुलर लेक। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है तो कौन सा स्थित है शहर, बारामूला। कौन सा शहर स्थित है? बारामूला। बारामूला के बाद अगर जब ये इंडिया में प्रवेश करती है, सॉरी इंडिया से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो ये जाती है इधर। इस पर कौन सा शहर पाकिस्तान में बसा हुआ है? अब इधर इंडिया में थे, इंडिया से किस में गई? पाकिस्तान। इंडिया में ये पाकिस्तान कौन सा शहर बसा हुआ है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद के जैसे आगे बढ़ी फिर इधर पाकिस्तान में कौन सा शहर बसा हुआ है? मीरपुर। मीरपुर के बाद इधर आके चेनाब इससे मिलती है झेलम से पाकिस्तान में। और इसी यहीं पर चेनाब में जहां मिलती है पाकिस्तान में कौन सा डैम है? मंगला डैम। तो आपको ऐसे ही जो है बनाना है मैप पर, अपने A4 साइड मैप या शीट पर बनाना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी रिवर है इसके बाद इंपॉर्टेंट। सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चेनाब रिवर की बात करेंगे। तीसरा कौन सा है, तीसरा रिवर सिस्टम कौन सा है? चेनाब रिवर। चेनाब रिवर का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? उद्गम की बात करेंगे, वो कहां से निकलता है? तो वो निकलता है ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय में हमने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कौन कौन सा आता है, लद्दाख काराकोरम जांस्कर, उसके अलावा तिब्बत पामीर घाट, ये सब ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के जो है आप आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, तो वहां पे आपको मिलेगा बारालाचाला पास। बारालाचाला पास, वहां से दो नदी निकलती है, एक चंद्र, दूसरी तरफ कौन निकलती है? भागा। तो ये दोनों नदी जब मिलती हैं तो हिमाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जैसे ही आएंगे जम्मू कश्मीर में ये आ जाएंगे नाम से, कौन से नाम से? चेनाब नाम से। जम्मू कश्मीर में चेनाब नाम से जाना जाता है। इसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करेंगी, तो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जो है यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको जम्मू प्लेन इसी के नदी किनारे मिलेगा, जम्मू का प्लेन, यानी जम्मू कश्मीर में जो जम्मू रीजन है उसका प्लेन एरिया जहां पर आबादी बसी हुई है। इसके बाद क्या होता है, ये पाकिस्तान प्रवेश करती है और इंडिया से जाके इसमें मिलती है जो है इसी पर जहां ये पाकिस्तान प्रवेश करती है, यहां से कौन नदी मिलती है? तवी रिवर।
तवी रिवर इसे मिल जाती है। इसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में जाकर इसे कौन मिलती है, इधर से जाकर झेलम, झेलम मिलती है, फिर आके इससे मिलती है सिंधु। इसके बाद ये यहां पर जो है सिंधु में मिलने के बाद यह सिंधु नदी की जो है ट्रिब्यूटरी हो जाए। अब बात करते हैं तीसरी कौन सी है। तीसरी चेनाब हो गई, पहले सिंधु हो गई, उसके बाद झेलम देख लिया। अब बात करते हैं चौथी, जो चौथा रिवर सिस्टम है वो कौन सा है, सतलज, सतलज या सतलुज रिवर सिस्टम। अब इसका अपवाह या उद्गम कहां से होता है, पहले उद्गम देख लेते हैं कहां से निकलता है। तो ये आपको तिब्बतियन प्लेन देखेंगे, तो जो तिब्बतियन प्लेन है, सॉरी तिब्बतियन प्लेटू, प्लेन कहां से होगा, तिब्बतियन प्लेटू से आप जाएंगे तो कैलाश रेंज मिलेगा आपको। कैलाश रेंज से आपको मिलेगा, कैलाश रेंज में एक राकस झील मिलेगी, राकस लेक। इसी राकस लेक से जो है निकलती है सतलज नदी, और ये सतलज नदी निकलती है फिर यहीं से सिपकिला पास से ये जो है भारत में अंदर घुसती है, सिपकिला पास। सिपकिला पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये अंदर घुसती है, अंदर घुसने के बाद इधर आएंगे तो इससे स्पीति रिवर आके मिलती है, लाहौल स्पीति सुना होगा आपने, स्पीति रिवर। और स्पीति रिवर की सहायक नदी कौन सी है, स्पीति रिवर की सहायक नदी, एक सेकंड, स्पीति रिवर की सहायक नदी पारिछू। तो स्पीति रिवर सहायक नदी पारिछू, और स्पीति रिवर आके जो है सी सतलज नदी से मिलती है। और इसी जो है स्पीति रिवर के पहले यहां पर जो है हिमाचल प्रदेश में कौन सा सागर है, गोविंद सागर। अब ये पंजाब में आ जाएगी, यहां से स्पीति रिवर मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश बाद कौन सा कहां आएगी, पंजाब में। पंजाब में जब आएगी तो यहां से आके इससे मिलेगी नॉर्थ में ब्यास रिवर। अब ब्यास रिवर के बाद जो है ये पंजाब फिरोजपुर, पंजाब जो है ये फिरोजपुर, ये आ जाएगा पाकिस्तान वाला एरिया। तो ये आ जाएगा इसके बाद जो है यहां से फिरोजपुर पंजाब वाला, और पाकिस्तान, इसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के पहले ये फजलिका आपको मिलेगा, फजलिका, फजलिका कहां है, पंजाब में। तो पंजाब के बीच सीमा बनाती है ये, पंजाब और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है ये नदी, सतलज नदी। और जो पंजाब, इसके बाद जो पाकिस्तान में आके इससे मिलती नदियां, उसमें चेनाब रिवर आके मिल जाएगी। चेनाब से कौन नदी आके मिलती है, रावी रिवर। तो ये सब इसका नदी सिस्टम है सतलज का। आप ऐसे अलग अलग बना लीजिएगा, थोड़ी सी हैंडराइटिंग खराब है लेकिन तब भी चल जाएगा। तो ये रिवर सिस्टम हो गया। अगर अब हम सिंधु के, अब इसको एक में देखें, सिंधु के अपवाह के रूप में देखें, सिंधु का जो अपवाह क्षेत्र है उसके रूप में देखें, तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले कौन सी नदी आती है, सिंधु। उसके बाद इससे कौन सी नदी जाके मिलती है, झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर इसी में जाके मिलती है कौन सी, सतलज, फिर इसमें ब्यास। यानी एक, दो, तीन, चार, पांच, छह नदी का यह पूरा इतना बड़ा, आप जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा और इधर उत्तराखंड, ये पूरा इसका जो है ड्रेनेज एरिया है। यानी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब इसे एक और डिवीजन में हम लोग बांट के देखते हैं। जैसे ये एरिया है ना, तो इसे लोकली लेवल पर, जैसे, और सिंधु
सिंधु हो गया, और सिंधु के बाद कौन सी नदी हो गई? झेलम। झेलम सिंधु और झेलम के बीच का एरिया, इसे हम कहते हैं सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब के रूप में भी जानते हैं। अब दोआब क्या होता है? दोआब, दो आब, यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं, तो इसे सिंध दोआब कहते हैं। और वहीं झेलम और चेनाब के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छाज दोआब। झेलम और रावी के बीच को जो है हम लोग क्या कहते हैं, या कहते हैं रचना दोआब, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा रावी जो है और ब्यास के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? बारी दोआब। अब जो ब्यास रिवर है और सतलज रिवर, उसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बीस्ट दोआब। तो आपको रिवर सिस्टम के साथ जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी आपको देते चल रहे हैं। तो ये कुछ इसका रिवर सिस्टम है। अब इसके बाद हम लोग गंगा रिवर सिस्टम देख लेते हैं। गंगा रिवर सिस्टम, जो गंगा का अगर हम कहें उद्गम जो होता है, तो गंगा जो है, गंगा कहां से गंगा बनती है? अगर इसको गंगा रिवर को आपको देखना हो गंगा कहां से बनती है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा पंचप्रयाग कौन कौन से। पंचप्रयाग ऑफ अलकनंदा, तो इधर से निकलती है भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से। अब इसके बाद निकलती है अलकनंदा, मेन नदी इसकी यही है। संतोपन ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है? अलकनंदा। और इधर से कौन निकलती? गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी। और जब अलकनंदा भागीरथी आके मिलती है देवप्रयाग में, तब ये गंगा होती है। अब वहीं पंचप्रयाग की बात करें तो संतोपन ग्लेशियर से कौन? अलकनंदा निकल गई। और इसके बाद बात करेंगे वसुंधरा ताल ग्लेशियर से, जो कौन सी निकलती है? तो यहां से धौली गंगा निकलती है। नंदा गोमटी ग्लेशियर से नंदाकिनी निकलती है। पिंडार ग्लेशियर से पिंडार रिवर निकलती है। और मंदाकिनी जो निकलती है वो छोबारी ग्लेशियर केदारनाथ से निकलती है। आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको कौन सी नदी मिलेगी? केदारनाथ में मंदाकिनी रिवर मिलेगी। अब इन नदियों के संगम पे जो जो प्रयाग स्थित हैं उसे प्रयाग के नाम से जाना गया। सबसे पहले मेन नदी कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा आके जब धौली गंगा से मिली तो कौन से प्रयाग हुआ? विष्णु प्रयाग। और जब वही नंदाकिनी यानी नंदाकिनी रिवर से मिली जो है अलकनंदा, तो कौन सा हुआ? नंद प्रयाग। उसके बाद जब मंदाकिनी से पिंडार मिला तो कर्ण प्रयाग। और जब मंदाकिनी से अलकनंदा से जो है मंदाकिनी रिवर मिली तो रुद्रप्रयाग। और वहीं जब भागीरथी से जो है जाकर जो है अलकनंदा रिवर मिली तो देवप्रयाग। इसके बाद जैसे हरिद्वार प्लेन में आती थी, इसे गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया उत्तराखंड में इसको जो है, आगे तो इसे देवप्रयाग के नाम, देवप्रयाग के बाद इसे गंगा के रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ये पंचप्रयाग हो गया और पंचप्रयाग का रिवर सिस्टम हो गया। अब यमुना की नदी की बात करें तो इधर भागीरथी नदी और अलकनंदा के मिलने से क्या बना? गंगा रिवर। गंगा रिवर यहां से बहते हुए आई जो है बिहार, यूपी, यूपी से बिहार आई उत्तराखंड से, और उसके बाद फरक्खा इधर आई कलकत्ता में, दो ट्रिब्यूटरी में डिवाइड हुए, गंगा हुगली हो गई, एक गंगा पद्मा हो गई। अभी ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब यमुना की बात करेंगे तो यमुना की जो सहायक नदी टोंस है, तो यमुना कहां से निकलती है? बंदरपुच ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये जो है इधर से बहते उत्तराखंड से बहते हुए पंजाब का रीजन जो है, दिल्ली का रीजन कवर करते हुए यूपी का, इधर आकर यहां पर इधर चंबल आकर मिलती है इसकी जो है, दक्षिण की तरफ से मिलने वाली यमुना की सहायक नदी चंबल, तो चंबल आकर इससे मिल जाती है। और फिर यमुना जाकर प्रयागराज में जो है गंगा से मिलती है। तो गंगा की सहायक यमुना, यमुना की सहायक चंबल। तो सबसे पहले देख लेते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा जो है बद्रीनाथ और अलकनंदा के मिलने से, सॉरी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से, यानी देवप्रयाग के बाद जो है, देवप्रयाग के बाद गंगा हुई सबसे पहली नदी। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से रामगंगा आकर मिली उत्तर में। उसके बाद
उसके बाद इधर आएंगे प्रयागराज के बाद आगे बढ़ेंगे तो इसे गोमती आकर मिलती है उत्तर से, फिर काली, शारदा या सरयू जो जिस नाम से आपको बुलाना हो, नेपाल से निकलने वाली घाघरा नदी जो है आकर इसे मिलती है, फिर ये घाघरा नदी के मिलने के बाद सरयू नदी घाघरा के नाम से जानती है, तो ये आकर बिहार में पटना में आपको मिलेगी। इसके बाद इसे राप्ती नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक ये सब जो है कोसी, सबसे लास्ट में गंगा की जो सहायक नदी है यानी गंगा की दो ट्रिब्यूटरी में बटने से पहले महानंदा नदी इसकी सहायक नदी है, ये नॉर्थ से मिलने वाली नदियां हैं। दक्षिण से मिलने वाली नदियों की बात करें गंगा की तो सोन नदी जो अमरकंटक रेंज से निकलती है, सोन नदी की सहायक नदी जो है रिहंद, और इसके बाद बात करेंगे कोयल तो ये जो है सोन गंगा नदी की सहायक है और ये सोन नदी की सहायक है। अब हुगली वाली गंगा नदी की सहायक इधर है बराकर नदी जो दामोदर रिवर की सहायक है, ये हुगली रिवर में जाकर मिल जाती है और ये दामोदर रिवर जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ये महानंदा रिवर की बात की है दार्जिलिंग हिल्स से जाकर निकलती है। इसके अलावा बात करेंगे जो ये कोसी रिवर है ये नॉर्थ आप माउंट एवरेस्ट से जाकर निकलती है, और जो घाघरा रिवर है ये मापचुंगो से निकलती है। इसके अलावा ये काली और सरयू रिवर की बात करें तो मिलान ग्लेशियर नियर लिपू लेक से निकलती है। तो अब बात करते हैं यमुना की सहायक नदियों के बारे में। यमुना जैसा आपने देखा कि बंदरपुच ग्लेशियर यमुनोत्री से निकलती है, अब इसके दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं जैसे चंबल इसकी मेन नदी है, ये जानपाव हिल्स विंध्यन रेंज से निकलती है चंबल, ठीक है, यह आके इधर मिलती है दक्षिण से यमुना में। अब चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदियों में बनास, बनास रिवर आके मिलती है इससे। अब बनास की छोटी छोटी जो सहायक नदियां हैं खारी हो गई, बर्च हो गया, तो इसके बाद चंबल की जो इधर पश्चिम से इधर पूर्व से मिलने वाली नदियां जो सिप्रा हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, कूनो नदी हो गई, ये चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद यही यमुना में मिलने वाली सिंध नदी, कुंवारी नदी, बेतवा भी इसी यमुना की सहायक है, धसान नदी, केन भी ये यमुना की सहायक है। अब बात करते हैं जैसे हमने देखा कि यहाँ फरक्खा, फरक्खा में यहाँ कलकत्ता में फरक्खा डैम से ये जो है इधर हुगली, और इधर गंगा जो जाके जो है इधर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तो ये गंगा पद्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पंचप्रयाग देख ही लिया, इंडस रिवर सिस्टम हम लोगों ने देख ही लिया, एक बार और देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कि नुब्रा रिवर जो है सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, सियोग जो है रामो ग्लेशियर से निकलती है, ये सिंधु की सहायक है, और जो सिंधु है नदी वो कैलाश रेंज के बोखरा गुड ग्लेशियर से मानसरोवर लेक से निकलती है, और ये इंडस रिवर इधर से जांसकर रिवर साउथ से मिलती है, इधर से नॉर्थ सियोग रिवर, और इसके बाद जो है ये अरेबियन सी में आकर मिल जाती है। इसके बाद इसे बात करेंगे झेलम रिवर की बात करें तो किशन गंगा भी रिवर है जो इसके झेलम की सहायक नदी है, विंसन जो विशान नर लेक है वहां से निकलती है, और जो फ्रोना स्प्रिंग इन वेरीनाग है यहां से जो वेरीनाग झील से जो है झेलम रिवर निकलती है, इसकी बात की तो सिंध दुआब, छांस दुआब, रचना दुआब, बारी दुआब, बीस दुआब की बात हम लोगों ने कर ली है। एक बार ये राकस्ताल से सतलज नदी निकलती है मानसरोवर लेक से, बीस कुंड से ब्यास नदी निकलती, रोहतांग पास से जो है आपको रावी नदी निकलने दिखाई देगी, चेनाब रिवर जो है चंद्रभागा जो है हिमाचल प्रदेश से आपको दिखाई देगा। तो हमने इंडस रिवर सिस्टम को समझ ही लिया है। अब बात करते हैं इधर हमने गंगा और इंडस को समझ लिया, अब बात करते हैं मानसरोवर लेक से ही आपको मिलेगा चेमयांग डुंग ग्लेशियर, और ब्रह्मपुत्रा को जो है तिब्बत में यारलुंग जांगबोम या टी सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को। जब ये जो है उत्तराखंड में प्रवेश करती है तो इसे सिहांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसकी जो है सहायक नदी लोहित और दिहांग, और इधर से जो आके मिलने वाली नदी है साउथ से धनश्री और नॉर्थ से सुबनश्री, तो ये यहां तक जो है ये दिहांग और दिहांग के नाम से जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, और इसी ब्रह्मपुत्रा को
बांग्लादेश में जमुना के नाम से रहता है। तो नॉर्थ से मिलने वाली कौमी नदियां जो असम में, मनास ये भी असम में, संकोसी ये भी असम में, लास्ट नदी से आकर तीस्ता मिलती है सिक्किम से। और यहीं पर जो है जो यहां पर असम में यहीं पर माजुली आइलैंड स्थित सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जो बना है ब्रह्मपुत्रा के जो है शिफ्टिंग से और फ्लडेड रीजन से, उसके सेडिमेंट से। अब जब गंगा रिवर जो है पद्मा, जैसे गंगा रिवर बांग्लादेश पुष्कर पद्मा के नाम से जानती है, और इसे जो है जैसे ब्रह्मपुत्रा जो है बांग्लादेश पुष्कर करती है किस नाम से, जमुना। अब जब जमुना और पद्मा मिलती है तब मेघना नाम से जाना जाता है। यह होगा ब्रह्मपुत्रा रिवर का सिस्टम। महानदी रिवर, तो महानदी जो रिवर है वो जो है दंडकारण रीज, बस्तर रीजन, छत्तीसगढ़ से निकलती है और इधर जो है हरिकुंड रिजर्वायर स्थित है इस पर। और ये फ्लैश पॉइंट है इसका, महानदी जो है यहाँ इसके जो पैरलर जो है बैतरणी जो है लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। यहाँ पर जो है महानदी बैतरणी से बाके मिलती है, महानदी फाइनली जो है आकर सी में मिल जाती है। अब महानदी के सहायक नदियों की बात करें, साउथ में टेल ओंग और नॉर्थ में ईब मंड हसदो, इधर सियोनाथ जोंक रिवर। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में एक दो बार पूछा गया है, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। और ये हिल्स रीजन जो ये है दंडकारण वाला, ये ईस्टर्न घाट का ही बाहरी फैलाव है, तो ये महानदी रीजन हो गया। अब लोग हम आते हैं साउथ में, गोदावरी रिवर बेसिन के बारे में। तो गोदावरी जो निकलती है वो ब्रह्मगिरी माउंटेन से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर माउंटेन हिल से निकलती है गोदावरी। सबसे पहले इससे पश्चिम से आके पारवा रिवर जो है मिलती है। अब इसके बाद इससे आके जो उत्तर में जो है मिलती है दुधना रिवर, पूर्णा इसके सहायक है। फिर एक मंजीरा रिवर हो जो बालाघाट रेंज से निकलती है, इसके जो है साउथ से आकर मिलती है। इसके बाद नॉर्थ में इंपॉर्टेंट नदियां जैसे पेन गंगा की बात करें जो वेन गंगा की सहायक है, और वेन गंगा की सहायक वर्धा, वर्धा जो रिवर है वो मुल्ताई रेंज से निकलती है और पेन गंगा रिवर अजंता रेंज से निकलती है, और वेन गंगा रिवर ये मुंद्रा रेंज से निकलती है। तो ये आके जो है प्राणहिता के रूप में ये नदियां आकर जो है गोदावरी से मिल जाती है, यानी वेन गंगा की सहायक जो है वर्धा, और वर्धा के बाद वेन गंगा बनती, वेन गंगा और प्राण गंगा जो पेन गंगा का जो है प्राणहिता के रूप में जो है गोदावरी से मिलती है। और इधर उड़ीसा से दंडकारण क्षेत्र इंद्रावती रिवर आकर जो गोदावरी से मिलती है, और सबरी रिवर भी इंद्रावती की सहायक नदी है। अब इसके बेसिन एरिया की बात करें गोदावरी के, तो कितने बेसिन अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर आ जाएंगे तो आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा, तेलंगाना भी आ जाएगा, महाराष्ट्र भी आ जाएगा, कर्नाटक रीजन, तो ये इसका अपवाह क्षेत्र है। ऐसे जितने एरिया में नदी आपको अपवाह क्षेत्र मिलेगा, जितने ट्रिब्यूटरी मिले वो उसका अपवाह क्षेत्र होगा। अब बात करेंगे कृष्णा रिवर की, जो महाबलेश्वर से निकलती है और उत्तर में आकर इसे कोयना मिलती है, भीमा उत्तर में आकर, और लास्ट में मूसी और मिन्नेरू जो है इसके आकर सबसे लास्ट मिलती है। दक्षिण की बात करें तो घाट प्रभा, माल प्रभा इससे आकर दक्षिण से मिलती है। तुंगभद्रा रिवर जो है आकर, तुंगा और भद्रा रिवर मिलने का, तुंगभद्रा और भद्रावती रिवर जो है इसे साउथ से मिलती है। इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका, ये इसके अपवाह क्षेत्र में आते हैं। अब बात करेंगे कावेरी रिवर की, तो कावेरी जो है ताला कावेरी या ब्रह्मगिरी हिल्स रेंज से निकलती है कर्नाटका से। इसके नॉर्थ से मिलने वाले हेमवती जो है सिमसा, और साउथ से मिलने वाले काबनी, भावनी, अमरावती जो है साउथ से मिलती है। इसका अपवाह क्षेत्र कौन, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। इसके बाद बात कर लेंगे पश्चिम, सॉरी पूर्व की तरफ बढ़ने वाली जो है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो कौन कौन सी नदी बहती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। छोटी नदियों की बात करेंगे तो सुबर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, रुशकुल्या, और इसके बाद वशिष्ठरा। इसके बाद बात करें पेन्नूर रिवर, पलार रिवर, पोन्नियार रिवर, वैगेही रिवर, कि ये छोटी और बड़ी नदियां जो है बहती हैं।
अब ये जो देख रहे हैं येलो कलर का जो सिंबल है, ये कहां से निकलती है? ईस्टर्न घाट से। और जो ग्रीन कलर का सिंबल देख रहे हैं, ये कहां से निकलती है? ये वेस्टर्न घाट से निकलती है। और जो ये लाइट रेड कलर देख रहे हैं, ये रांची के पठार से निकलती है। अब बात करेंगे जो पश्चिम की तरफ जो है नदियां प्रायद्वीप पठार में प्रवाहित होती हैं। तो इधर लूनी रिवर की बात करेंगे तो ये आके जो है यहीं पर जो है दलदल में मिल जाती है, खत्म हो जाती है। इधर साबरमती रिवर जो है कच्छ के रण में आके जो है, सॉरी, इधर गल्फ ऑफ कच्छ में मिल जाती है, माही रिवर भी। अब बात करेंगे विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा रिवर। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक। ये विंध्यन और सतपुड़ा का जो मीटिंग पॉइंट है, इसके बीच में स्थित है अमरकंटक, जहां से नर्मदा और सोन रिवर निकलती है। सोन गंगा की सहायक है। और यहीं से जो है सतपुड़ा रेंज से आपको तापी रिवर मिलेगी। तापी के बाद से जो एरिया चालू होगा वो कौन सा एरिया? वेस्टर्न घाट या सह्याद्री। गोवा तक आपको सेंट्रल सह्याद्री, इधर नॉर्थ सह्याद्री, इधर आ जाएगा, क्या बोलेंगे इसे, साउथ सह्याद्री। अब बात करेंगे कौन कौन सी रिवर निकलती है, तो बहुत छोटी छोटी रिवर है। जैसे एमपी में जो वेस्टर्न घाट में आपको वैतरणा रिवर मिल जाएगी, मांडवी गोवा की, जूरी रिवर मिल जाएगी गोवा में, कालिंदी रिवर और सारावती रिवर, पुन्नई या भरतपुझा रिवर, पेरियार रिवर, पंबा रिवर। तो ये वेस्टर्न की तरफ बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो आज का रिवर सिस्टम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सारे चैनल की आने वाली अपडेट जो है आपको स्टडी एंड वीडियो पर मिल जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो है 13 क्लास में कंप्लीट जो है पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें इंडस्ट्री, क्लाइमेट और सारी चीजें हमने कवर की। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप बेस्ड 5 लेक्चर हमने कवर किए हैं, जिसमें वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जो है माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, वाटर बॉडीज हो गई, ये सब कवर किए हैं। एनसीईआरटी की 11th क्लास की चल रही है ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की, और पॉलिटी की क्लास चल रही है। तो इन सब क्लास को आप अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को या फिर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्रीलिम्स बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपको कहीं ढूंढने से भी एक जगह नहीं मिलेंगे, वो हमारे चैनल पर मिलेगा, एक जगह एक साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को अपना प्यार दीजिएगा।